ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 7 जो के है Vectors. इसमें आज हम जिन दो Topics को Discover करेंगे, उसमें पहला Topic है Properties of Scalar Product of Two Vectors और दूसरा है जी Properties of Vector Product of Two Vectors. अब इनसे related जो MCQ हैं वो अब हम one by one solve करते हैं और इन्हें समझते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. इसकी स्टेटमेंट है इस तरह से कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस yi प्लस 2j प्लस 5k इज 1 देन y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये फाइंड करनी है. यानी हम ये जो वेक्टर हमारे पास है इसे अगर मैं a वेक्टर कह रहा हूं इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है एक यूनिट वेक्टर से जिसे चले मैं n यूनिट वेक्टर कह रहा हूं यानी एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और ये प्रोडक्ट हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है. लेकिन जो n यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं वो बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन है वो ये जो गिवन वेक्टर्स b फर्स्ट कर लें और जो ये c वेक्टर है इनके सम से हासिल होने वाले वेक्टर की डायरेक्शन में है. यानी मैं यूं कह सकता हूं कि जो b वेक्टर प्लस c वेक्टर होगा अगर इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो इस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी जो कि n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के बराबर है. तो हम n यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं और फिर ये डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है. तो इस मदद यानी इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये क्या है. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम अगर देखें कि हमारे पास b प्लस c वेक्टर की एडिशन क्या आती है अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो देखें जो कंपोनेंट्स हैं i कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे यानी 2 और y ऐड हो जाएंगे i यूनिट वेक्टर आएगा j आपस में कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे 4 और 2 6j आ जाएगा और -5 और 3 ऐड होंगे तो -2k आ जाएगा. ठीक है. ये तो हमारे पास b + c वेक्टर आ गया. अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो इसके कंपोनेंट्स यानी स्क्वायर रूट के अंदर इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम किया जाता है यानी y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 36 आएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो ये बन जाएगा 36 और 4 ऐड होके 40. ठीक है. ये मैं लिख सकता हूँ या अगर इसे हम और सिंपलीफाई कर लें तो ये हमारे पास y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2ab यानी 2 2 4 y से मल्टीप्लाई होके प्लस 40 आ जाएगा और कांस्टेंट अगर ऐड कर लिए जाए 40 और 4 तो ये 44 बन जाएगा यानी 4y प्लस 44 तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आ गई. ठीक है जी. अब ये हमें पता चल गया कि इस वेक्टर को अगर इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो n यूनिट वेक्टर आता है और इसका a से डॉट प्रोडक्ट अब हम लेंगे जो कि 1 के इक्वल है. ठीक है. तो यहां पर इस कैलकुलेशन को भी कर लेते हैं हम कि a वेक्टर का देखें x कंपोनेंट जब x से मल्टीप्लाई होगा तो i यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट i या j डॉट j ये या k डॉट k ये इक्वल टू होता है 1 के. ठीक है. तो इसलिए हम इसको तो लिखेंगे ये 1 के इक्वल है. ठीक है जी. तो यहां पे फिर हम यू कह सकते हैं कि 1 टाइम 2 प्लस y आएगा और i डॉट i 1 बन जाएगा. ठीक है. प्लस 6 टाइम 1 6 और j डॉट j 1 जबकि j डॉट k या i डॉट k ये तमाम जो होते हैं ये जीरो होते हैं. ठीक है. क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि i डॉट i का अगर डॉट प्रोडक्ट देखा जाए तो ये इक्वल होता है i वेक्टर मैग्नीट्यूड फिर दूसरा वेक्टर भी i है इसकी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्योंकि 0 डिग्री एंगल बन रहा है इसलिए cos 0 1 होता है ये आंसर 1 आता है. लेकिन i dot j के केस में 90 डिग्री एंगल बन रहा है cos 90 0 होता है इसलिए 0 आंसर आएगा. ठीक है. तो ये आपने नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखनी है बात. ठीक है. और इसी तरीके से k की मैग्नीट्यूड 1 है जो कि फिर -2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो -2 आ जाएगी यहां पे -2 आएगा और k dot k 1 है जबकि डिनोमिनेटर में तो एक हमारे पास नंबर आ रहा है जो कि अंडर रूट की शक्ल में है जो कि y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 44 है और ये डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल था 1 के. तो इसी के से ये मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया है क्योंकि आप कांसेप्ट लेक्चर में ऑलरेडी ये बात समझ के आ चुके हैं. ठीक है. अब देखें अगर मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो देखें ये
2 2 से कैंसिल हो रहा है, y plus 6 ऐड होके y plus 6 आ जाएंगे और ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज ये नंबर आ जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस 4y plus 44। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग से यहां पे y का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा और फिर 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट जो कि 12y बनता है वो आएगा। जबकि दूसरी तरफ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 44 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने बात समझ ली। अब इसे नेक्स्ट अगर इन टर्म्स को तमाम को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए तो y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस हो जाएगा, लाइक टर्म्स है। ठीक है, 4y में से 12y माइनस हो जाएगा और 44 में से 36। साइन चेंज कर दिए हैं, याद रहे यहाँ पे तीनों प्लस के थे, यहाँ पे तीनों नेगेटिव साइन के। तो y स्क्वायर से कैंसिल, 4y में से 8y माइनस करेंगे, 12y माइनस करेंगे माइनस 8y आएगा, यहाँ पे 44 में से 36 माइनस करेंगे प्लस 8 आएगा इक्वल टू 0। अब इस टर्म को अगर राइट साइड पे ले जाएं तो ये 8y पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगा, पॉजिटिव 8y इक्वल टू 8, और 8 से अगर डिवाइड किया जाए 8 को तो 1 आंसर आता है। तो हमारा आंसर 1 है, यानी यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है और जो है 1। तो इसलिए हम डी ऑप्शन, अगर ए बी सी की सेंस में लिखा हुआ है तो डी ऑप्शन को जो है वो मार्क कर देंगे, अदरवाइज 4 जो ऑप्शन है ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसमें इस तरह से है कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट दिया जा रहा है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट हमने मालूम करना है इन वेक्टर्स का, जो कि मतलब डायरेक्शन नंबर्स की शक्ल में लिखे हुए हैं। इसमें वन जो है वो एक्स कंपोनेंट है, यानी ये वेक्टर बेसिकली आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, यानी आई लिखा हुआ है ये बेसिकली। आई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है जीरो टाइम आई प्लस जे प्लस जीरो टाइम के, यानी जे वेक्टर से। तो आई क्रॉस जे जो होता है वो के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पर ये साइकिल जो हमने समझी थी क्रॉस प्रोडक्ट की, कि अगर ये आई वेक्टर हो, ये जे हो और ये के हो इस तरह से, तो आई क्रॉस जे जो होता है वो के बराबर होता है। ठीक है, जबकि जे क्रॉस आई वो नेगेटिव ऑफ के वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा वो के यूनिट वेक्टर है, और इसको अगर हमें इसके कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखूँ तो इसका एक्स कंपोनेंट यानी इसका i कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट j कंपोनेंट भी 0 है और k जो है वो 1 है। तो ये 0 0 1 बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है, यानी a ऑप्शन में है। इसलिए हम कहेंगे जो हमारा ऑप्शन a है यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, इसकी स्टेटमेंट ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ s द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस आई प्लस एस प्लस 1 टाइम j और s माइनस 1 k, ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 2 आ जाए। यानी मैं यहाँ पे यूँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी तो इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे प्लस इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे प्लस इसके z कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और ये आंसर कितना होना चाहिए, ये 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो ये अगर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हो तो हम इसे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस फार्मूला को अगर यूज किया जाए तो 2 टाइम एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, तो एस स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यूं लिख देता हूँ कि ये लिखा हुआ है जी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, या इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 एस स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है जो कि इक्वल टू 2 है, या 3s स्क्वायर क्योंकि ये कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे स्क्वायर रूट में प्लस 2, ये इक्वल टू 2 लिखा हुआ। देखें तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो s की वैल्यू होगी वो 3 से डिविजिबल होगी, यानी 3 से डिवाइड की जाएगी। सो डिविजिबल तो नहीं, यानी 3 से डिवाइड की जाएगी। ठीक है, या उसमें 3 डिवाइजर में आ रहा होगा। तो इसमें अगर हम स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायरिंग कर लें ऑन बोथ साइड, ठीक है ऑन बोथ साइड, तो देख सकते हैं आपके हमारे पास ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 3s स्क्वायर प्लस 2 जो है वो इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये 2 उधर जाकर 4 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 3s स्क्वायर इक्वल टू 2 रह जाएगा और s स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 3 आएगा। इसका मतलब s जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ
क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 3 आएगा आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है यानी बी ऑप्शन, ये हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट है कि अगर 2i यानी एक वेक्टर है जिसमें इसका i कंपोनेंट 2i माइनस 3j इसका j कंपोनेंट और प्लस k, ये एक वेक्टर है, इसको डॉट प्रोडक्ट जो है वो i प्लस 2j प्लस 3k से लिया जाए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। याद रहे कि i डॉट i या i डॉट सॉरी j डॉट j या k डॉट k ये इक्वल टू 1 होता है और बाकी तमाम डॉट प्रोडक्ट जो है वो यानी i डॉट j या j डॉट i या i डॉट k या k डॉट j वो तमाम के तमाम जीरो के इक्वल होते हैं सिवाय इनके, ठीक है। तो अब इसका मतलब 2 जब मल्टीप्लाई होगा i, सिर्फ i से मल्टीप्लाई होगा, j और k से इसका डॉट प्रोडक्ट आंसर जीरो आएगा। तो मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखूंगा और i डॉट i 1 लिखूंगा, प्लस यानी 2 1s are 2 आ जाएगा, -3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 आ जाएगा। तो 5 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारा आंसर -1 आता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 अवेलेबल है ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी कि इसका आंसर है -1। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट है कि इफ 3i प्लस 2j माइनस 5 के ये एक वेक्टर है, ये पैरेलल टू हो जाए ए आई प्लस बी जे प्लस 15 के वेक्टर के, तो फिर इसमें जो ए और बी की वैल्यू है इनका सम किसके बराबर होगा, ये बेसिकली यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन एक ही होगी, मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकती है और कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए लैम्डा टाइम्स यानी कोई एक स्केलर टाइम्स मैं बी वेक्टर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये बराबर हो मतलब पैरेलल हो जाएंगे दोनों वेक्टर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो आपस में क्या है वो एक जैसी है, ठीक है। इस तरह से आप समझ लें, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है ये आप समझ लें। अब हमें यहाँ से तो नहीं पता चल रहा, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि ये माइनस अगर 15 है और सॉरी माइनस 5 है और ये प्लस 15 है, तो आखिर माइनस 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया कि आंसर प्लस 15 हो गया, ठीक है। तो वो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि हम माइनस 5 को यहाँ पर डिवाइड कर दें 15 से, तो हमें पता चल जाएगा माइनस 3 से। इसका मतलब कि इधर जो लेमडा की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस 3 है, ठीक है। और अब अगर ए जो है वो जो भी वैल्यू होगी वो जब मतलब माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इस नंबर का माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3 है, ठीक है, वो हम यूँ लिख सकते हैं कि माइनस 3 टाइम्स जो है वो किसके बराबर है जी, यहाँ पर बल्कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो a है, ठीक है, a जो है क्योंकि हमने यहाँ पर यूँ कहा कि हमारा जो a वेक्टर है वो ये है, ठीक है, और ये b वेक्टर है, ठीक है। तो अब अगर इसमें जो हमारे पास लेमडा है वो माइनस 3 है, तो माइनस 3 जब इस 3i से मल्टीप्लाई होगा इसी तरह 2j से और माइनस 5k से, ठीक है, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये इक्वल टू इस वेक्टर के बन जाएगा जो कि है ai प्लस bj प्लस 15k के। तो देखिए यहाँ से आपको बड़ी आसानी से a b c की वैल्यू मिल रही है, 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर 9, तो इसका मतलब a की वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी। अगर देखें तो माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 6, तो b की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी, ठीक है। और ये तो माइनस ये मतलब प्लस 15 और ये प्लस 15 है बराबर आ गए, तो फिर a प्लस b जो है माइनस 9 और माइनस 6 अगर ऐड करें तो ये माइनस 15 बनता है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 1 है यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी a ऑप्शन जो होगा अगर ए बी सी लिखा हो तो फिर a ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू जी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है या वेक्टर प्रोडक्ट से, कि जे क्रॉस के अगर यूनिट वेक्टर्स लिए जाएं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो ये आखिर किसके बराबर होंगे। तो ये देखें ऑलरेडी हम जानते हैं कि इस साइक्लिक ऑर्डर से हमने इसको समझा था कि अगर ये आई यूनिट वेक्टर हो, ये जे हो और ये के हो, ठीक है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है बल्कि सॉरी
अगर हम देखें तो ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज अगर हूँ, ठीक है, तो आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर होता है, जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल होता है, तो जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए या वन जो है ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि हमें इन दो वेक्टर्स गिवन जो वेक्टर हैं ए और बी, इनके दरमियान जो एंगल है उस पर साइन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि वो इनमें से किस ऑप्शन से मैच करती है। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो इक्वल होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, जबकि हम जान रहे हैं कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम अगर किया जाए वेक्टर के, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये बनता है 30। जबकि अगर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो उसमें एक्स कंपोनेंट मतलब है 9, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और फिर 1, तो ये बनता है 25 प्लस 1 26 अंडर रूट में। ठीक है, लेकिन अभी इसमें से इन ऑप्शन तक पहुंचना इतना कोई आसान नहीं है, हमें यह पता चल रहा है कि स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2 में ज्यादा चांस है। अब अगर ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लिया जाए, ठीक है, जो कि हम डिटर्मिनेंट के मेथड से फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ अगर हम आए यहाँ जे के कंपोनेंट्स लिख लें, ठीक है, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, ये मतलब डिटर्मिनेंट को ओपन करके फाइंड कर लेंगे, यहाँ पहले ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिखेंगे आई के नीचे, आई कंपोनेंट आई के नीचे, वाई जे कंपोनेंट जे के नीचे और के कंपोनेंट के नीचे। इसी तरह बी वेक्टर के लिए 3 माइनस 4 और 1 आ रहा है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम क्विकली जो है वो एक्सपेंड करते हैं, इसको इसका आंसर जो मैं यहाँ पे लिखूंगा यानी 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 होगा और ये प्लस 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस 2 में 4 ऐड कर लें प्लस 2, तो 2 आई आ जाएगा। ठीक है, माइनस जे है, अब इस रो जिसमें जे है और कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, 5 वन जर 5 और इसमें से 3 माइनस कर लें तो 2j आता है प्लस 2j, चूंकि माइनस j है प्लस 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 2j हो जाएगा और प्लस k इसी तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे जी, माइनस 20 प्लस 6 है तो माइनस 14k आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 14k आएगा। ठीक है जी, अब अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले ली जाए a क्रॉस b वेक्टर की, तो इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम कर लेंगे यानी 4 x कंपोनेंट का स्क्वायर, y का भी 4 और z का 196, तो ये बनता है 204। इसका मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल थीटा बनेगा इन वेक्टर्स के दरमियान वो कुछ ऐसे आ सकता है कि यहाँ पर n यूनिट वेक्टर भी होता है, ये मैं मिस कर गया था, लेकिन जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो इस यूनिट वेक्टर की जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर होगा बोथ a एंड b के, जिस मतलब प्लेन में ये वेक्टर है उसके, इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी, जो कि फिर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे यानी मल्टीप्लाई बाय 1 जो भी नंबर होता है वो दोबारा आता है। ठीक है, और यहाँ से हम इस वैल्यू को जो कि अंडर रूट 204 है और ये नंबर्स जो कि अंडर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, ये इधर अगर राइट साइड पर मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट डिवाइड हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 30 और 26 अंडर रूट डिवाइजर में आ जाएंगे और इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम सिंपलीफाई करें तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जा सकते हैं 204 ओवर 30 इंटू 26, और इसको अगर हम कैंसिल कर लें, ठीक है, 33 के टेबल से, तो ये 36 टाइम और 38 टाइम, तो मतलब ये बनता है 204, 68 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जब फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30 बनता है, फिर अगर आप इसको डिवाइड कर लें 5 अगर हम 2 के टेबल से डिवाइड करें तो 34 बनता है, जबकि यहाँ पे 5 आता है, और अगर अब हम 2 के टेबल से डिवाइड करें 17 बनेगा और ये 13, यानी ये आंसर हमारा बन रहा है 17 ओवर 13 फाइव टाइम, ये बनता है 65। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें इस फ्रैक्शन को, ठीक है, तो ये आंसर हमारा बनता है 51। ठीक है, 17 3 से मल्टीप्लाई होके, और जबकि 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 195 बनता है, जो कि फिर ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा।
Thank you.